हाय फ्रेंड्स, दिस इज करण एंड यू आर वाचिंग एजेंसी। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा सैमसंग S8 एंड S8 प्लस के फीचर्स के बारे में कि आपको सैमसंग S8 एंड S8 प्लस जो भी लॉन्च किया है सैमसंग ने फ़ोन, इसमें क्या क्या फीचर्स मिलेंगे, इसकी डिज़ाइन कैसे मिलेगी, इसका हार्डवेयर कैसा मिलेगा। सो, इन सब चीज़ों की मैं इस वीडियो में बात करूंगा। सो, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले बात करते हैं सैमसंग S8 एंड S8 प्लस की डिज़ाइन की। सो, डिज़ाइन में सबसे पहले चीज़ आती है कि स्क्रीन साइज़ क्या है, डिस्प्ले का साइज़ क्या है। सो, डिस्प्ले साइज़ आपको S8 में मिलेगा 5.8 इंचेस का और S8 प्लस में मिलेगा 6.2 इंचेस का। और इन दोनों ही फोन S8 एंड S8 प्लस में आपको मिलेगा इन्फिनिटी डिस्प्ले, मीन्स H2H स्क्रीन डिस्प्ले। इसका मतलब क्या है कि जो सैमसंग ने इस बार अपने डिस्प्ले पे बहुत काम किया है, मतलब डिस्प्ले को बड़ा रखने की कोशिश की है। जितनी वाइड स्क्रीन डिस्प्ले रहेगा और उतना ही जो यूज़र का एक्सपीरियंस रहेगा उस फ़ोन को यूज़ करने में, तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। इसलिए सैमसंग ने स्क्रीन पे बहुत काम किया है। तो जो इन्फिनिटी डिस्प्ले है, बिल्कुल सैमसंग ने अपने जो डिस्प्ले है उसकी बाउंड्रीज, मतलब फ़ोन में जो साइड में बाउंड्रीज आती है वो हटा दी हैं। और जो डिस्प्ले आपको इतना अच्छा लगेगा, आपको गेमिंग एक्सपीरियंस उसकी वजह से अच्छा हो जाएगा। और मूवी अगर आप वॉच करते हैं अपने S8 या S8 प्लस पे, तो उसका भी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहेगा। सो, सैमसंग ने बिल्कुल बेजल लेस डिस्प्ले, मतलब बाउंड्री लेस डिस्प्ले बनाने की कोशिश की है और काफ़ी अच्छा डिस्प्ले लग रहा है। सो, S8 एंड S8 प्लस में आपको मिलेंगे 3 कलर्स। सो, 3 कलर्स कौन कौन से मिलेंगे? एक मिलेगा मिड नाइट ब्लैक, एक मिलेगा कोरल ब्लू और तीसरा मिलेगा मैपल गोल्ड। सो, 3 कलर भी आपको मिलेंगे S8 एंड S8 प्लस में। सो, इसके बाद जो आपकी डिफ़ॉल्ट रिजोल्यूशन जो रहेगा डिस्प्ले का, वो रहेगा फुल HD प्लस। तो इसके बाद ये जो रिजोल्यूशन होगा, ये चेंजेबल होगा। आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाके इसको क्वाड HD प्लस में चेंज कर सकते हैं। तो एज मैंने पहले भी कहा अभी कि सैमसंग ने डिस्प्ले पे बहुत काम किया है। सो, जैसे कि आप दूसरी कंपनीज़ के फ़ोन की साइज़ देखते हैं कि फ़ोन की स्क्रीन की साइज़ बढ़ती है तो फ़ोन का भी थोड़ा सा साइज़ बढ़ जाता है। तो सैमसंग ने इस बार क्या किया है कि फ़ोन की स्क्रीन की साइज़ तो बढ़ा ही है, पर अपने फ़ोन की फिजिकल साइज़ है उसको बढ़ने नहीं दिया और फ़ोन की साइज़ भी कम रखी और स्क्रीन जो है उसको ज़्यादा एक्सपेंड किया। तो यही यूनिक चीज़ जो सैमसंग ने की, इस वजह से मुझे लगता है जो कि इस वजह से जो S8 एंड S8 प्लस इसलिए बहुत ही प्रीमियम फ़ोन लग रहा है। इसमें आपको मिलेगा जो डिस्प्ले मिलेगा उसमें मिलेगा आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 यूज़ किया हुआ, जो कि सैमसंग ने बहुत ही अच्छा किया है। और जो होम बटन आपको फिज़िकल नहीं मिलेगा इस बार, क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि स्क्रीन साइज़ बड़ा किया है और बेजल लेस डिस्प्ले बनाने की कोशिश की है सैमसंग ने। तो जो होम बटन है वो आपको स्क्रीन में ही मिलेगा। और यहाँ तक बेजल लेस डिस्प्ले बनाने के लिए सैमसंग ने अपना जो इतने सालों से सैमसंग अपने फ़ोन्स में ऊपर जो सैमसंग का लोगो देता है वो भी यहाँ तक हटा दिया है, ताकि यूज़र एक्सपीरियंस और कस्टमर का एक्सपीरियंस, उनके फ़ोन जो यूज़ कर रहे हैं वो अच्छा रहे। ये तो हो गई डिज़ाइन की बात। फ्रेंड्स, इसके बाद बात करते हैं हम S8 एंड S8 प्लस के कैमरा की। सो, फ्रंट कैमरा जो मिलेगा आपको S8 एंड S8 प्लस में, वो मिलेगा 8 मेगापिक्सल का और f1.7 लेंस के साथ। सो, इसमें आपको मिलेगा स्मार्ट ऑटो फोकस टेक्नोलॉजी, ताकि आप अच्छे से ऑटो फोकस कर पाएँ अपने फ़ोटोज़ को। और इसमें आप स्टिकर्स भी काफ़ी यूज़ कर सकते हैं फ्रंट कैमरा से फोटोग्राफी करते टाइम। तो इसके बाद बात आती है रियर कैमरा के। रियर कैमरा मिलता है आपको 12 मेगापिक्सल का। सो, इसमें भी आपको f1.7 लेंस मिलेगा और इसमें आपको मिलेगी 4K वीडियो रिकॉर्डिंग। सो, आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं रियर कैमरा से। तो इसमें आपको मिलेगी लार्ज पिक्सल साइज। सो, आप लो लाइट में अगर फोटोग्राफी करते हैं तो आपके फ़ोटोज़ को वो बिल्कुल इन्हेंस कर देगा और ऐसा नहीं लगेगा कि वो फ़ोटो लो लाइट में खींची गई है। सो, इसके बाद हम बात करेंगे कि सेंसर का। 12 पिक्सल सेंसर मिलता है इसमें आपको, जिसकी वजह से आप फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट की जो फास्ट फोकस करना पड़ता है। सो, फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट जैसे आप फ़ोटो खींच रहे हैं तो उसको वो फास्ट फोकस करेगा और उसकी पिक को बहुत ही अच्छे तरीके से खींचेगा और आप अच्छे से प्रोफेशनल फ़ोटोज़ खींच सकते हैं फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए। तो फिर इसके बाद बात आती है S8 एंड S8 प्लस के एक और
कैमरा के फीचर की, जो कि है प्रो मोड। सो प्रो मोड में आपको क्या मिलेगा, आप उससे उसका यूज़ उसको इनेबल करके प्रोफेशनल फोटोग्राफी कर सकते हैं। इसका मतलब है आप उसमें काफ़ी चीज़ें खुद ही एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि ISO रहेगा, शटर स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं, एक्सपोजर कलर टोन को एडजस्ट कर सकते हैं, और मैनुअल फोकस वाइट बैलेंस को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं प्रो मोड का यूज़ करके। सो इसमें आपको और भी कई फीचर मिलते हैं, जैसे कि सेलेक्टिव फोकस, जैसे कि आपको जो पास में है ऑब्जेक्ट उसको फोकस करना है, या दूर वाले ऑब्जेक्ट को फोकस करके फ़ोटो खींचनी है, या दूसरे पूरे वाइड एंगल फोकस करना है, तो ये सब फीचर्स आपको और कई फिल्टर्स आपको मिलते हैं जिनका यूज़ करके आप अपने फ़ोटोज को और इन्हेंस कर सकते हैं। सो इसके बाद बात आती है सिक्योरिटी फीचर्स की, कि आपको इसमें सिक्योरिटी फीचर क्या क्या मिलेंगे, आप अपने फ़ोन की सिक्योरिटी को कैसे अच्छा कर सकते हैं। सो इसमें आपको मिलती है सबसे अच्छी चीज़, वो है आइरिस स्कैनर। सो अभी तक तो फिंगरप्रिंट सेंसर आपने सबने यूज़ ही किया होगा, सो अब आया है आइरिस स्कैनर। सो आप अपने फ़ोन को बस आइरिस, अपने जो आइज के आइरिस होते हैं उससे स्कैन करके अनलॉक कर सकते हैं। ये जो आइरिस स्कैनिंग टेक्नोलॉजी है, ये काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है, क्योंकि हर इंसान के जो आइरिस के पैटर्न होते हैं वो अलग होते हैं। सो इसको करना या इसको अनलॉक करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सो ये काफ़ी सिक्योर्ड मेथड है आपके फ़ोन को लॉक रखने का और आपके फ़ोन के डेटा को सिक्योर रखने का। सो इसके अलावा आपको और चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि फेस रिकॉग्निशन सिक्योरिटी में, और भी चीज़ें हैं जैसे फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको मिलता है बैक साइड में कैमरा के पास, और इसके अलावा आपको मिलता है पैटर्न, पासवर्ड, पिन लगा सकते हैं आप। और एक और चीज़ मिलती है आपको, वो मिलती है डिफेंस ग्रेड नॉक सिस्टम। तो डिफेंस ग्रेड नॉक सिस्टम काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी मेथड है, के हेल्प से आप अपने जो प्राइवेट फाइल्स या फोल्डर्स हैं जिनको आप नहीं चाहते कि दूसरे एक्सेस करें, तो उनका उस मेथड का यूज़ करके आप उनको सिक्योर कर सकते हैं। वो जो मेथड है वो सीधा फ़ोन की चिप होती है, उस लेवल का होता है। सो इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं सैमसंग S8 एंड S8 प्लस के प्रोसेसर की, कि हमें इसमें कौन सा प्रोसेसर मिलेगा। सो जो सैमसंग S8 एंड S8 प्लस का US यूनिट होगा उसमें हमें मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 835 प्रोसेसर, और जो इंडियन यूनिट होगा S8 एंड S8 प्लस का उसमें हमें मिलेगा सैमसंग का अपना एक्सिनोस 8895 SoC प्रोसेसर। सो ये दोनों ही प्रोसेसर ऑक्टा कोर प्रोसेसर हैं, और ये दोनों ही प्रोसेसर वर्ल्ड फर्स्ट 10 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी एडवांस प्रोसेसर हैं। सो काफ़ी अच्छे प्रोसेसर हैं, तो गेमिंग में भी काफ़ी अच्छे रहेंगे ये। और अगर गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करें हम सैमसंग S8 एंड S8 प्लस की, सो आप सेटिंग्स में जाके फुल स्क्रीन मोड पे गेम्स खेल सकते हैं, मूवीज़ वॉच कर सकते हैं। सो आपका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहेगा गेमिंग का भी। और ये जो फ़ोन्स रहेंगे दोनों वाटर रेजिस्टेंट रहेंगे और डस्ट रेजिस्टेंट रहेंगे, वो भी IP68 रेटिंग के साथ। तो इन दोनों फ़ोन्स में आपको सारे सेंसर्स मिलेंगे, A to Z जो भी सेंसर्स मिलते हैं, और LTE Wi-Fi सब मिलेगा। और जो सिम स्लॉट होगा वो मिलेगा आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट, या तो आप दो सिम्स यूज़ कर सकते हैं या फिर एक सिम और एक मेमोरी कार्ड, और मेमोरी कार्ड आप एक्सपेंड कर सकते हैं 256 GB तक। सो ये काफ़ी अच्छी बात है। चार्जिंग की बात करें तो इसमें आपको सब मिलता है, वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी, डैश चार्जिंग टेक्नोलॉजी और फास्ट चार्जिंग भी आपको इसमें मिलती है। और इसमें आपको अच्छी बात तो ये है कि टाइप सी पोर्ट मिलता है, मतलब आप टाइप सी केबल मिलती है आपको चार्जिंग के लिए, ये अच्छी बात रहेगी सैमसंग S8 एंड S8 प्लस के लिए। इसमें आपको एक असिस्टेंट मिलता है, जैसे कि आपको गूगल असिस्टेंट मिलता है एंड्रॉयड में, और सीरी मिलता है एप्पल में, एप्पल के फ़ोन में। सो इसमें आपको सैमसंग के फ़ोन में आपको एक वर्चुअल असिस्टेंट मिलेगा, वो है बिक्सबी, ये सैमसंग ने लॉन्च किया है। सो इसकी मदद से आप इमेज सर्च भी कर सकते हैं, और जैसे कि आपने किसी साइकिल की फ़ोटो खींची और उसको सर्च मारा, तो वो अपने आप ही बिक्सबी जो असिस्टेंट रहेगा सैमसंग में वो उस हिसाब से सर्च करके बता देगा आपको रिजल्ट्स। तो फ्रेंड्स, इसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपको इसमें जो चार्जिंग पोर्ट मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें आपको टाइप सी चार्जिंग केबल मिलेगी और टाइप सी पोर्ट मिलेगा फ़ोन में, और सैमसंग ने हेडफोन 3.5 mm जो हेडफोन जैक होता है उसको नहीं हटाया है। आपको फ़ोन की नीचे की साइड, आपको लेफ्ट साइड में
3.5 mm जैक मिल जाएगा, उसमें हेडफोन्स भी काफ़ी अच्छे मिलेंगे। और बैटरी की अगर बात करें तो सैमसंग S8 प्लस में बैटरी में अंतर है। सैमसंग S8 में मिलती है आपको 3000 mAh की बैटरी, और सैमसंग S8 प्लस में मिलती है आपको 3500 mAh की बैटरी, मतलब 3500 mAh की बैटरी। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और सब्सक्राइब का बटन आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा जो कि रेड सब्सक्राइब बटन, उसके पास में आपको एक बेल मिलेगी, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल के नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। बेल आइकन को दबा के हमारे नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि हम जब भी ऐसा ऑसम वीडियोस डालें तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। और आप हमें सोशली भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएगी सोशल फॉलो की। दिस इज करण साइनिंग ऑफ, स्टे ट्यून्ड एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।